हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जोसेफ हियर। सो अभी अभी मैंने उठा, जस्ट ब्रश किया, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे गाइस, फिर आपको दिखाऊंगा मैं घर का मेरा आंगन, लाइक मेरा सराउंडिंग कैसा है, कहाँ रहता हूँ मैं, ये सब दिखाऊंगा गाइस। और तब तक वीडियो में बने रहे। जैसे कि देख सकते हो आप, ये है हमारा थाली, ये है कुछ साग बॉयल है गाइस, ये आपका बीन्स है, और ये है गाइस नामसिंग है गाइस, हम लोग का मिसिंग भाषा में नामसिंग कहा जाता है, और यहाँ पे है गाइस चिकन रोस्टिंग गाइस। तो ये है हमारा मेन्यू, जैसे कि आप देख सकते हो, ये चिकन है गाइस, ये फ्रेश बीन कुछ कहा जाता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या है ये, फिर ये शायद कुछ शाक है पत्ता का, हरियो पत्ता है, सरसों का पत्ता है, सॉरी सरसों है ये। और जैसे कि ये देख सकते हो, ये है हमारा थाली गाइस, आज खाएंगे यही, और गाँव में गाइस ऐसे ही खाया जाता है गाइस, बिना तेल वेल का गाइस, ऑर्गेनिक फूड है गाइस, ये फ्रेश है, जैसे अभी अपना बगान से निकला हुआ है। तो चलिए खाते फिर मिलते दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारा फूल मम्मी का है, मम्मी फूल बहुत पसंद करती है गाइस, मम्मी लाइक फूल के लिए मरती है गाइस। तो ये सारा है फूल मम्मी का, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारा फूल है, अलग अलग वैरायटी का है दोस्तों, मुझे एग्जैक्टली नाम तो पता नहीं क्या क्या फूल का नाम है, लेकिन बहुत सारा है। देखिए आप, यहाँ भी फूल है तो बहुत बड़ा हो गया गाइस, देखिए ये सारा फूल है हमारा घर पे है, बहुत फूल है, बहुत बहुत हद से ज्यादा फूल है, इतना सारा फूल गाइस। जैसे कि देख सकते हो हमारा सराउंडिंग कुछ ऐसा है, और आपका हाईवे है वो आगे तरफ में हाईवे है, तो मेन हाईवे है वो, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर मेरा घर क्या है कि चारों ओर गड्ढा है गाइस, लाइक डाउन है, हम लोग का घर लाइक ऊपर में है गाइस, जैसे कि आप ये सब देख सकते हो, ये सब नीचे में है गाइस, देखिए कितना अच्छा व्यू है घर का, बहुत सुकून है, ठंडा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बम्बू बगान ये सब में है आपका, फिर आपका तकू पट्टा का भी गच्छी है यहाँ पे, देखिए तो नीचे में भी ये सारा फूल है, और जो आगे आपको दिखाई दे रहा है वो सारा फूल है यहाँ पे। तो दोस्तों जो मैं रात को दिखाया था आपको फूल, ये यही है फूल गच्छी है यहाँ पे, और ये सारा भी फूल है, इसको लाइन से लगाया गया है गाइस, और नीचे में कुछ तमूल का गच्छी है, सुपारी गच्छी सब, देखिए ये सारा फूल है दोस्तों, यहाँ पे भी सारा फूल है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मिट्टी खोद के रखा हुआ है, और थोड़ा सा ये फर्टिलाइजर के लिए काउडांग भी यूज किया है, तो इसमें हम लोग सब्जी उगाएंगे गाइस, जैसे कि धनिया लाई पत्ता हो गया, ये सब साग सब्जी इसमें उगाएंगे गाइस, तो ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन हम लोग का छोटा सा फैमिली है, 3-4 मेंबर का है गाइस, तो ये काफ़ी है हमारे दोस्तों। ये है हमारा सुपारी का बगान, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी थोड़ा थोड़ा सुपारी निकाल रहा है, आप देख सकते हो कितना लंबा है गच्छी लोग, यहाँ पे हमारा कुछ 100 आसपास का गच्छी होगा सुपारी का, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मम्मी यहाँ से पपीता तोड़ रही है, पपीता भी बहुत ऊपर में है गाइस, देखिए आप, ये देखिए दोस्तों कितना ऊपर में है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है ठीक से, सो गांव में ऐसे ही चलता है, पपीता पका हुआ है, तोड़ेंगे इसको, अभी खाएंगे हम लोग, ये गिर गया नीचे, ये सारा फूल है मम्मी का, वैसे आप देख सकते हो दोस्तों। ये है हमारा घर, बैक साइड का व्यू है, यहाँ पे बहुत सारा तकू पट्टा है गाइस, और इसे हम लोग बेचते भी है, जैसे कि पर पीस 10 रुपया करके, सो यहाँ पे भी अराउंड ऐसे 100-200 होंगे, बहुत सारा है, आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए बहुत शांति है यहाँ पे गाँव में, कुछ ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, गाड़ी वो सब ज़्यादा नहीं चलता है, बहुत ठंडा है, शांति है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारा है यहाँ पे, देखिए। और अगर कोई तलाम से देख रहे हो तो गाइस, अगर आपको ख़रीदना है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं सस्ता दाम में आपको दिला दूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले, अभी यहाँ पे सब्जी लगा चुका है, और जैसे कि आप मम्मी को देख सकते हो, ये चारों ओर फेंस टाइप का लगा रहा है ताकि भेड़ बकरी ना घुसे इसमें, तो ये 1-2 सप्ताह में सब्जी उगना चालू हो जाएगा गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस।
मज़ा आ रहा है। जैसे कि आप जो देख पा रहे हो वो सारा हमारा बगान है। अभी आपको जाके दिखाते हैं दोस्तों क्या क्या है वहाँ पे। और रिसेंटली इसको साफ करने दिया था, 2-3 आदमी लगाया इधर काम करने के लिए, तो रिसेंटली साफ करने दिया। इसको देखते हैं अभी कैसा साफ किया है। तो दोस्तों ये है एंट्रेंस हम लोग का बगान का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा तामुल बगान लगा के रखा हुआ है हम लोग, देखिए। और रिसेंटली साफ किया है इसको हम लोग। सो और 2-3 साल का बाद ये ऐसे भी पैसा आना चालू हो जाएगा गाइस। तो ये तामुल लुक भी, सुपारी लुक भी उगने वाला है, बड़ा होने वाला है जल्दी। और ये सारा छोटा छोटा है, 1-2 साल हुआ है ये सबको लगाया हुआ। सो ये है हमारा दोस्तों, जैसे कि आप मेरा पीछे देख सकते हो ये सारा तुकू बागान है, तुकू पत्ता है। हम लोग सेल करते हैं इसको अराउंड 10 रुपया करके। ये सारा है तुकू पत्ता आपका, देखिए आप ये भी कितना प्यारा सा है। ये सारा तुकू पत्ता है हमारा, आप यहाँ भी देख सकते हो। और गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा एक घर बना लूँ, बम्बू का सांग घर टाइप का यहीं पे। आप लोग बताओ कैसे लगेगा इधर, आप लोग कमेंट में बताना अच्छा लगेगा कि नहीं। तो दोस्तों तुकू पट्टा का ये रूट में देखिए ऐसे काटा होता है। सो जब इसको काटते बहुत ध्यान से काटना पड़ता है, इसलिए इसका कीमत भी थोड़ा दाम होता है, अराउंड 10-15 का होता है। क्योंकि यहाँ पे रिक्स होता है, आप देख सकते हो कितना नुकीला काटा है यहाँ पे, देखिए आप। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अभी 210 सब्सक्राइबर हो गया है। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हो सके तो वीडियो भी शेयर कर देना अपना फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरा चैनल थोड़ा जल्दी ग्रो हो। नहीं तो ऐसे तो हमको साल लग जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे दिन भर वीडियो बनाता हूँ। तो या मेरा थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरा मेहनत को थोड़ा देख दीजिएगा। तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब गाइस।